स्वागत है दोस्तों आपका कूल टेक में। आज से YouTube पर इंडिया के अंदर सब फॉर सब लीगल हो चुका है। अगर सब फॉर सब करोगे ना तो दिल खोल कर करना, और ये जो सारे यूट्यूबर्स कहते हैं ना सब फॉर सब से आपका चैनल बर्बाद हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे तरीके से करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वीडियो एंड तक देखते रहना, 1.5 मिनट की इंटीग्रेटेड वीडियो है, वो भी देख लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं जानता हूं आईपीएल सीजन हम स्टेडियम से दूर है, पर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि घर बैठे मैच एंजॉय करें और कैसे पैसे कमाएं ऑन इंडिया का नया गेमिंग डेस्टिनेशन प्ले स्पॉट ऐप, जिसमें है लोस कमीशन फीस, यानी कि आपको कमीशन बहुत ही कम देनी पड़ेगी, यानी कि आप कम अमाउंट में बहुत सारा पैसा जीत सकते हो। और इसमें आपको 100% सिक्योर एंड इंस्टेंट विड्रॉवल मिल जाएगा, चाहे आप पेटीएम में ले लो चाहे आप बैंक अकाउंट में ले लो, केवाईसी की तो जरूरत ही नहीं है। और अच्छी बात यह है इसमें पहले से ही 2 मिलियन प्लेयर्स डेली लाखों में जीते हैं, विश्वास करोगे। और इस आईपीएल सीजन तो भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदाना भी खेल रहे हैं अपनी फेवरेट टीम के साथ ऑन प्लेयर स्पॉट। मैं तो जा रहा हूं उनके हाईएस्ट स्कोर को बीट करने, आप भी ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक और मेरे रेफरल कोड से। अरे लेकिन एक मिनट तो रुको, चलिए मैं आपको इनके रेफर एंड अर्न पॉलिसी के बारे में कुछ बता देता हूँ। हर बार अपने फ्रेंड को प्लेयर स्पॉट पर रेफर करने पर आपको और आपके दोस्त को मिलेगा ₹50 साइन अप बोनस। और इतना ही नहीं, एक मिनट और रुक जाओ, जब भी आपका रेफर फ्रेंड गेम ज्वाइन करेगा तो उसको आपको ज्वाइनिंग अमाउंट का 2% वॉलेट में आपके डायरेक्ट मिल जाएगा, है ना कमाल की बात। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए यूज कीजिए नीचे दिए गए लिंक को और आप अपने घर बैठे मैच एंजॉय करते करते पैसा भी कमाइए। ऐप की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अरे भाई साहब, स्पोर्ट्स के साथ साथ प्लेयर स्पॉट पर बहुत से ऐसे गेम्स है जैसे कि क्विज, कुछ आसान से सवालों का जवाब, लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स, जो कि पूरे लॉकडाउन में खेला है। इनके मजे लेकर आसानी से दिन में 10 लाख तक कमा सकते हो। और भाई ये मैच सीजन तो ऐप प्लेयर स्पॉट पर हो रहे हैं। इंडियन प्लेयर स्पॉट लीग के लीडर बोर्ड कंटेस्ट में भाग करके जीत सकते हो आप 10 लाख तक के कैश प्राइज। ये सीजन हो जाओ अपने गेमिंग स्किल से मालामाल, बस डाउनलोड करो प्लेयर स्पॉट नीचे दी हुई लिंक से। सो गाइस देखो, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, आप मेरे को पहले कमेंट सेक्शन में वीडियो देख लो पहले, फिर मेरे को वीडियो के एंड में जब खत्म होने वाली होगी मुझे ये बता देना कि आज तक सब फॉर सब करने से कितने रेशियो है, कितने लोगों के चैनल्स को सस्पेंड किया गया है, टर्मिनेट किया गया है यूट्यूब की तरफ से। आज तक ऐसी बहुत कम रेशियोज हैं कि यूट्यूब पे जब हम सब फॉर सब करते हैं यूट्यूब चैनल्स को सस्पेंड बहुत कम किया गया, टर्मिनेट बहुत कम मात्रा में किया गया। और आजकल यूट्यूबर्स क्या बोल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनकी रीच बहुत ज्यादा, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, सारे ही लगभग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई सब फॉर सब गलत है, सब फॉर सब नहीं करना चाहिए। मुझे बस कोई एक यूट्यूबर आके डायरेक्ट मेरे को बता दे कि आज तक उनके बोलने से सब फॉर सब कितना रुका है। हां मानता हूं यूट्यूब ये खुद कहता है कि सब फॉर सब यूट्यूब पर इलीगल है, लेकिन वही क्रिएटर जो कहते हैं कि यूट्यूब पर सब फॉर सब इलीगल है वही दूसरों के चैनल्स को प्रमोट करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में डालकर टेलीग्राम ग्रुप में सारे ज्वाइन होकर एक दूसरे के लिंक्स को शेयर करते हैं। क्या वो सब फॉर सब नहीं है? सिर्फ जो यूट्यूब पर सब फॉर सब करते हैं हम कमेंट सेक्शन में वो सब फॉर सब है। वो पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको अपने चैनल्स पे खतरा होता है कि उनका चैनल टर्मिनेट ना हो जाए, इसलिए वो डरते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप बनाकर आपके चैनल्स के लिंक डालते हैं, आपके चैनल्स को प्रमोट करते हैं। आपको मैं पहले क्लियर कर दूं कि प्रमोशन और सब फॉर सब में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। प्रमोशन का मतलब यह है कि आप अपनी सारी ऑडियंस को एक बंदे से इंट्रोड्यूस करा रहे हो, एक बंदे को कि हां भाई ये चैनल है, और अपने नीच पर ही करवा रहे हो। उसका भी यूट्यूब टिप्स का चैनल है और आप भी यूट्यूब टिप्स के चैनल को आगे लेकर आ रहे हो, उसका प्रमोशन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज प्रमोशन। लेकिन सब फॉर सब क्या होता है कि आप प्रमोशन कर रहे हो, फिर दूसरे लोग उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, फिर आप दूसरे बंदे की लिंक डाल रहे हो टेलीग्राम में, दैट इज नॉट नोन एज प्रमोशन। वो प्रमोशन के नाम पर खुद सब फॉर सब कराते हैं और फिर वीडियोस में आकर ये बोलते हैं कि सब फॉर सब इज इलीगल, इससे आपके चैनल पर बहुत बड़ा बैड इंपैक्ट पड़ता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि सब फॉर सब लीगल है इलीगल है, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स यूज करते हैं और इसको यूज करना सही भी है, एक मात्रा में, एक रेशियो के अंदर, लिमिट के अंदर यूज करना सही है। अगर आप सब फॉर सब अपनी कैटेगरीज के अंदर करते हो कि आपका कोई गेमिंग चैनल तो आप गेमिंग चैनल वाले से सब्सक्राइब करा रहे हो तो ये बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन फिर भी आपके 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, 1000 सब्सक्राइबर 4000 आर्स का वॉच टाइम, तो 100-200 तक कर लो, ये नहीं कि आपको पूरे 1000 करने हैं। तो सब फॉर सब कर सकते हैं, आज तक बहुत ही ऐसा लीगल है, बहुत ही ऐसा कम यूट्यूबर्स है जिनके चैनल्स को टर्मिनेट किया गया, सस्पेंड किया गया। तो ये सारे यूट्यूबर्स के बाद कोई भी ऐसा जवाब नहीं है, जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स ये वीडियो को देख रहे हैं प्लीज मेरे को कोई आकर ऐसा जवाब दे दे कि सब फॉर सब वो अपनी वीडियो
वीडियोस में नहीं करवाते, उनके कहने से आज तक कितना सफर सब रुक गया। और टेलीग्राम ग्रुप पे वो फिर भी क्यों ग्रुप बनाते हैं, क्यों एक दूसरे की लिंक्स को अपडेट करते हैं, क्यों एक दूसरे को सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं? क्या ये सफर सब नहीं है? जब आप यूट्यूब पे कह रहे हो सफर सब इलीगल है तो टेलीग्राम पे भी उसको फॉलो करो ना। क्यों ऐसे लोगों को बहाने में उलझाते हो? सफर सब करो और सफर सब लोग करते रहेंगे, ये इलीगल है, लेकिन ये कोई रोक नहीं सकता अगर यूट्यूब खुद ना चाहे, अगर यूट्यूबर खुद ना चाहे। सफर सब सिर्फ कमेंट सेक्शन में से लाइक शेयर सब्सक्राइब वाले को बर्ड्स को स्टॉप करने पर ही रुकेगा। चाहे आप कितना मर्जी लोगों को बोल लो, कोई सफर सबको आपके कमेंट सेक्शन में से बंद नहीं कर सकता। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आप कर सकते हो लेकिन एक लिमिट के अंदर, अपने नीच के अंदर। यूट्यूबर्स आके जवाब दे देना मेरे को अगर किसी में दम है तो। बस इस वीडियो में इतना ही, चलो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट और ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय। मतलब क्या सिखाते हैं क्या बताते हैं मेरे को खुद पल्ले नहीं पड़ता यार। पहले कहते हैं इलीगल है, करना नहीं चाहिए, फिर टेलीग्राम पे फिर ग्रुप बना के प्रमोशन सब स्टार्ट कर देते हैं। क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है बताओ मेरे को।